सुल्तानपुर चांदा थाना क्षेत्र के सिंगोली गांव में गुरुवार को मारे गए अध्यापक उमा शंकर मौर्य का अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका। परिवार जन वारदात की सीबीआई जांच एवं करोड़ की सहायता व दिवंगत अध्यापक की पत्नी व भतीजे को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े हैं, पर अभी भी बात नहीं बन रही है। एक एक कर्जे बनने से तो क्या फायदा, नौकरी चाहिए हमारे बच्चों को भी और हमें भी, 50-50 लाख रुपए भी चाहिए। दोबारी हत्या हुई, इसलिए मुख्यमंत्री को निवास स्थान पर आने की कृपा करें, पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए। 6 ही महीनों में 2 हत्याएं हो चुकी है, पूरे परिवार दहशत में है। केंद्र सरकार द्वारा 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने और पैन कार्ड की अनिवार्यता के विरोध में मुरैना शहर के सराफा व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की शव यात्रा निकाली और शव यात्रा का अंतिम संस्कार भी किया। लागू करने का जो कुचक्र रचा है उसके विरोध में हमारा सराफा विगत कई दिनों से निश्चितकालीन बंद है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्र सरकार जो 1% एक्साइज ड्यूटी हम सराफा भाइयों पर थोपी गई है उसको वापस लें, एवं जो ये शर्त लागू की गई है कि हम 2 लाख रुपए का माल बेचेंगे उसको पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है उसको भी वापस लें, क्योंकि यह जग जाहिर है कि 70% से लेकर 80% ग्राहक हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई पर कोई पैन कार्ड नहीं होता, इस बात को केंद्र सरकार भी जानती है। यूपी के सरकारी विभागों में रिश्वत बिना कोई काम होना अब मुश्किल हो चुका है। ऐसा ही एक मामला कैद हुआ कैमरे में, जिसमें एक चकबंदी लेखपाल युवक से नजरिया नक्शा करने के लिए 10,000 की मांग करता है। चकबंदी अधिकारी हमीरपुर बाबू वर्मा लेखपाल की अच्छा है, मुझे एक नजरिया नक्शा बनवाना था जिसके लिए मैं एक हफ्ते तक हमीरपुर रोज जाके उन सुबह से शाम तक बैठ के रो के गिड़गिड़ा के हाथ पैर जोड़ के हर तरीके के जतन करके मैं उनसे नजरिया नक्शा बनाने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन शुरू से अंत तक उन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड रख के मेरा काम नहीं किया। जब बुरी तरीके से मैं हताश और परेशान हो गया तो मुझे किस तरीके से कहीं ना कहीं से 7 की व्यवस्था करके मैं गया और मैंने उनसे हाथ पैर जोड़ के उनसे कहा कि सर मेरा काम कर दीजिए। उनके एसओसी भी हैं, सीईओ भी हैं। हाँ, हमें शायद आप उनके डिपार्टमेंट का मामला कर्मचारी। अलीगढ़ एएमयू कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह शनिवार को प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात करने हेतु रवाना हो गए थे। एएमयू पीआरओ राहत अवरान ने बताया कि एएमयू बीसी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप की पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। 2 प्रमुख मुद्दे हैं, एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप, उसके बारे में उस पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप कितना ज़रूरी है और क्या है उसके कानूनी। दूसरा है ये जो यूनिवर्सिटी के बजट को लेकर है और ख़ासतौर से सेंटर्स को लेकर है, उसके बारे में बताएंगे कि जो सेंटर्स हैं वो पूरी तरह से वैधानिक हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट स्टेट्यूट्स ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से खोले गए हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद खोले गए हैं, और ख़ुद राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति ने एक सेंटर का उद्घाटन भी किया है। मुंबई के ट्रांबे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरू निशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। Thank you.
पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरू निशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali, herbal food and cosmetic products. Patanjali Ayurvedic Sansthan, opposite Parimehal, Kunjwani. Vishwaka Sarvashresht Ayurvedic Sansthan, Patanjali Ayurved. बिजनौर गांव पूरनपुर गढ़ी अचानक प्रशासन के सख्त कदम उठाने की वजह से 4000 की आबादी वाले इलाके में इन दिनों बेरोजगारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, जिसे लेकर दाने दाने के लिए मोहताज परिवारों का बुरा हाल है। मैं पूरनपुर की गढ़ी की महिला हूँ। हमारे घर में, हमारे गांव में बस यही रोजगार था नदी का, और यही एक महीने से बंद पड़ा है, दो महीने से लगभग। हमारा और कोई रोजगार नहीं है, हमारे आदमी इतने परेशान है कि बच्चे भी भूखमरे रहते हैं कि मम्मी खाना दो तो मम्मी कहाँ से देगी। यही रोजगार है मम्मी का, उनके पापा का, वे कहाँ से दे बेचारी। दो महीने से ठप पड़ा, हम ये चाहते हैं कि हमारा रोजगार खुले, हमें मजदूरी मिले, हमें इंसाफ चाहिए। बिजनौर के पूरनपुर गाँव सहित लगभग 22 गांव के मजदूर भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि जिला प्रशासन ने नदियों का कारोबार बंद करा दिया है, जिससे मजदूरों को मजदूरी मिलनी मुश्किल हो गई है। इसी के चलते उनके पेट पर ताले लग गए और घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। नईम अंसारी, CAN न्यूज, बिजनौर। नोएडा बुलंदशहर विधान परिषद निकाय सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र भाटी 1020 मतों से विजयी घोषित हुए। नरेंद्र भाटी ने उमा भारती के पीए भाजपा के संजय शर्मा को पराजित किया। जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को, टीम वर्क है, टीम ने काम किया, पार्टी के लोगों ने काम किया। अब क्या प्राप्त, और जो मेरे निजी दोस्त मित्र और सब आगे दूर दूर से सब लोग जुट गए, जीत होगी। क्या प्राप्त होगी हमारी, जो गवर्नमेंट की प्राथमिकता है माननीय अखिलेश जी के द्वारा जो भी अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश में, तो मेन एजेंडा विकास का है। छतरपुर जिले में पुलिस को भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री पकड़ने में कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले के बमीठा पुलिस थाना का है, जहां पर पुलिस ने रहवासी इलाके में छापामार कार्रवाई कर एक मकान से 12 पेटी अमोनियम नाइट्रेट और 13 पेटी जिलेटिन रोड के साथ अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त की। दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई ठाणे के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री प्रवीण नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना प्रवीण पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया, और पार्टी में शामिल होते ही प्रवीण नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे।
डिजिटल जे एन के आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 पर ईयर। डिजिटल जे एन के, एक्सपैंड योर बिजनेस। मेरठ में जिला प्रशासन ने लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर लगाम कसने की कवायद तेज कर दी है, जिसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से हाल ही में 7 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ CJM कोर्ट में शिकायत दायर की है। इनमें से एक सेंटर समाजवादी पार्टी के एक आला नेता का भी है। कुछ अल्ट्रासाउंड की जाँच करी गयी मौके पर जाकर, उसमें 7 अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे पाए गए जहाँ पर के बड़ी अनियमितताएं वहाँ पर मिली। खासतौर से जो अभिलेख PCPNDT एक्ट के अनुसार उनको बनाने होते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर को मेंटेन करने होते हैं। मेरठ सोने की खरीदारी पर 1% एक्साइज टैक्स और पैन कार्ड की अनिवार्यता के विरोध में देश भर के सराफा व्यवसायियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं मेरठ में सराफा व्यापारियों ने लामबंद होते हुए पिछले 6 दिन से हड़ताल कर रखी है। देखिए, इसको लगभग आज 6 दिन होने जा रहे हैं और जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। और कल से ये अभी हमारी बैठक हुई थी, इस बैठक में निर्णय लिया गया है अब हम सड़कों पर भी उतरेंगे और जितना विरोध होगा सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि सबसे दुखद स्थिति हमारे सामने पैदा यह हुई है। सन 2012 में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी एक्साइज के रूप में और आज भी, लेकिन फ़र्क ये है कि उस समय हमारे अपोजिट सरकार थी। आज जिसे हम अपनी सरकार कहते हैं, व्यापारियों की सरकार कहते हैं, बंजों की सरकार कहते हैं, आज वही सरकार तलवार लेकर हमारा गला और पेट काटने को तैयार खड़ी है। ये बहुत दुखद स्थिति है। मजबूरन होकर हमें अपनी सरकार का विरोध करना पड़ेगा अगर ये एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेते हैं। पहली बार रुड़की पहुंचे आम पार्टी के नेता आशुतोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इस देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारेगी। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री जी है उनकी हालत खराब है अभी फिलहाल। पार्टी पूरी तरीके से उत्तराखंड के हर कोने पर, हर बूथ पर 1 बूथ 10 यूथ का हमारा नारा है और हमें उत्तराखंड के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति, एक विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। हम लोगों ने 2017 का चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए और देश के अंदर एक नया संदेश देने जा रही है आम आदमी।